दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुबरो सलाम अर्ज करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं ज़िला मटियारी के एक स्टेशन पाली जानी पर जा रहा हूँ। मेरे अकब में गांव लालखान बाटी है जहाँ पर मैं रात रुका था। तो आज हम अभी एक्सप्लोर करेंगे पाली जानी स्टेशन, बताएंगे आपको पाली जानी के मुतालिक मालूमात और दिखाएंगे आपको पाली जानी के रंग दुनिया हजार रंग के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ साथ में बातें भी होगी, रेल फैनिंग भी होगी। मौसम बड़ा अच्छा है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और ये पाली जानी स्टेशन माशाल्लाह बागात में घिरा हुआ है। अभी ये लोकेशन आप देख रहे हैं, मेरी दाएं जानिब केले का बाग है और मेरे बाएं जानिब ये आम के बागात हैं। तो हम इस बेहतरीन माहौल में फितरत की इन हुस्नाकियों के साथ आपके साथ आज पेश करेंगे आज की ये वीडियो। तो चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम स्टेशन पर पहुंच गए हैं, मैं इस वक्त डाउन साइड के एंड पर पहुंच रहा हूं। ये पगडंडी स्टेशन की तरफ ही आती है और ये सामने नेमिंग बोर्ड पाली जानी स्टेशन। सी लेवल से हाइट 78 मीटर पाली जानी। तो चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल देखते हैं। सामने पाली जानी स्टेशन की बिल्डिंग और ये यार्ड जो कि चार लाइनों पर मुश्तमिल है। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे दाएं जानेब आपकी लूप लाइन, दूसरे नंबर पर आपकी मेन लाइन, दरमियान में डाउन लाइन और बिल्कुल आखिर में प्लेटफॉर्म के साथ डाउन की लूप लाइन। तो ये लुक है पाली जानी स्टेशन का। दोस्तों ये स्कूल जाते हुए बच्चे गुजर रहे थे यहाँ से, तो मैंने सोचा कि इनको भी कैप्चर कर लें, आपको दिखा दें। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं बच्चे, स्कूल की तरफ जाते हुए खुश हो रहे हैं। पाली जानी स्टेशन मैन बिल्डिंग किलोमीटर नंबर 212 बता 11। सामने ये वेटिंग हॉल है, तो चलिए आगे की तरफ। ओपन वेटिंग हॉल, ये जबरदस्त एक अमेजिंग चीज नजर आ रही है। टिकट ट्यूब के पास ये ब्रिटिश दौर का एक, देखिए लगता है कि यहाँ पर फानूस रखा जाता होगा, माजी में तो बिजली नहीं हुआ करती होगी। यह है टिकट घर। अब इस स्टेशन पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती, लिहाजा इस सब पर वो सफ़ेद रंग किया हुआ है। अब माशाल्लाह काफ़ी कुशादा मुसाफिरों को बैठने के लिए ये सीमेंटेड बेंच, ये बहुत ही हवादार है। गर्मियों के दिनों पर यहाँ के शहर के लोग भी धूप और गर्मी की वजह से तंग आकर इधर आकर आराम करते हैं, कोई देर सस्ता लेते हैं। और ये ईस्ट की तरफ पाली जानी शहर, छोटा सा शहर मगर ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद। रेलवे कॉलोनी। तो दोस्तों इस स्टेशन के साथ मेरी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। 96, 97, 98 यहाँ पर मेरी पोस्टिंग रही है। और ये सामने जो आप क्वार्टर देख रहे हैं, ये मेरी रिहायशगाह थी जो कि बिल्कुल अबेंडेंट हालत में है, मखदूश हालत इसकी आप देख सकते हैं। ये है हालात। शहर की जानिब से ये लुक है पाली जानी स्टेशन का, बिल्कुल फ्रंट में। ये बैक साइड स्टेशन मास्टर ऑफिस और ये तरफ भी
क्वार्टर्स हुआ करते थे, सामने ये डैमेज क्वार्टर्स। ये आप देख रहे हैं पाली चाली। दोस्तों इस वक्त मैं स्टेशन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ और अब मैं अलर्ट नुसान की तरफ से किला सत्तार शाह चली हुई है तो उसको कैप्चर करते हैं। गाड़ी आगे थ्रू लगी हुई है, एसएमआन ड्यूटी प्रोसीड के लिए बिल्कुल तैयार। हम भी थोड़ा नज़दीक हो जाते हैं ताकि गाड़ी को सही तौर पर कैप्चर कर सकें। अब की माल गाड़ी एक फ्रेट ट्रेन किला सत्तार शाह। ज़बरदस्त थ्रू पासिंग किला सत्तार शाह। एडीएस से चलकर पुडेरोलाल की तरफ गामजन, पुडेरोलाल स्टेशन यहां से 7 किलोमीटर दूरी पर, और ये इस तरफ एडीएस स्टेशन जहां से गाड़ी चली ये 8 किलोमीटर दूर यहां से वाक़ एडीएस पुडेरोलाल के दरमियान कराची डिवीजन का ये स्टेशन पाली जानी, जो कि 212/11 किलोमीटर के मार्कअप पर, कराची से इसका फासला 212 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं एक सिंध का हरा भरा स्टेशन, हैदराबाद चंडो आदम सेक्शन पर वाके मेन लाइन ML1 पर एक बेहतरीन स्टेशन। अपसाइड प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये पीपल का दरख्त बहुत पुराना बताते हैं। दोस्तों आप जहां तक आपकी निगाह जाएगी हद निगाह सिर्फ नीम के दरख्त आपको बड़ी ही कसरत से मिलेंगे। ये स्टेशन नीमों वाली स्टेशन भी कहलाती है। प्लेटफॉर्म के दोनों जानेब नीम के दरख्त पाए जाते हैं। अबेंडेंट वाटर हट जिसके ऊपर ये VTP का साइन लगा हुआ है, मकसद विजिबल टेस्ट पॉइंट। यहाँ से खड़े होकर आगे की तरफ स्टार्टर अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, उसको रेल की ज़ुबान में फॉगी वेदर कहते हैं। तो फॉगी वेदर को डील करने के अलहदा से एक ज़ाबते हैं, उसूल हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे की तरफ, नेमिंग बोर्ड आपको दिखाते हैं। अब हम खड़े हैं आपके नेमिंग बोर्ड पर, नेमिंग बोर्ड जो कि 3 जुबानों में लिखा हुआ है, पली जानी, पाली जानी और इंग्लिश वर्जन में भी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि जब एक सिंधी ज़ुबान में इसको पली जानी कहते हैं तो इसका आसान लफ्ज़ों में उर्दू में तर्जमा तो पली जानी होना चाहिए। नेमिंग बोर्ड ये देख रहे हैं आप झाड़ियों में घिरा हुआ है, और इधर स्टेशन की तरफ भी अगर आप निगाह डालेंगे तो ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। एक और अमेजिंग चीज़ आपको दिखा, ये देखिए सामने दरख्त, ये मुलाहिजा कीजिए। अब इसके सूखेपन में भी एक
दिलकशी नज़र आ रही है, एक मंज़र, एक व्यू बन रहा है। अगर यहाँ पर कोई आर्टिस्ट होता तो ज़बरदस्त एक स्केच बन सकता है। तो दोस्तों, अब इस तरफ मुडेरो लाल स्टेशन है, जो कि तकरीबन 8-9 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। सामने आप देख रहे हैं ये साउथ कैबिन, 34 डाउन 63। ज़बरदस्त, ये तो हमारा आज का दूसरा एक्शन, 34 डाउन थ्रू बाय टू स्पीडी एक्शन। रफीक अमन जिस्कानी साहब कीमेन है, यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर है, ये उनका सेक्शन है। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, खैर खैरियत जान छा छी तो ठीक ठाक महारे ओज मजे में ठीक ठाक आयो बायो बियो खैरा के बोले कम कर ओ तो लगा पे रोजी के बियो ता दरिल मा जान छडायो बियो आसान जान छडायो बस मेहरबानी रफीक मेहरबान। अब चलते हैं अंदर ऑफिस की जानिब, एक ऑफिस का व्यू आपको दिखाते हैं। सामने पैनल है, इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये किस सिस्टम के तहत ये वर्किंग आपकी हो रही है यहाँ पर स्टेशन पर? यहाँ अप्रूव ब्लॉक सिस्टम के तहत वर्किंग हो रही है, और यहाँ एक गाड़ी पहले जाती है, उसका अराइवल मिलता है, तो उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी को हम लाइन क्लियर होते हैं। जबरदस्त। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी मालूम वर्किंग के हवाले से। ये स्लॉट फ्रेम है, दोनों तरफ स्टेशन के कैबिन हैं, साउथ नॉर्थ, और यहाँ से स्टेशन मास्टर साहब नॉमिनेट करते हैं लाइन को। तो ये तीन आदमी मिलकर एक एक्शन को सपोर्ट देते हैं, तभी जाकर कोई गाड़ी पास होती है। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब में एक और एक्शन, 27 अप शालीमार एक्सप्रेस पहुँच रही है, मगर आगे के सिग्नल डाउन नहीं है, शायद कोई टेक्निकल रीज़न है, हो सकता है यहाँ पर खड़ी हो जाए। तो कराची से लाहौर के लिए 27 अप शालीमार एक्सप्रेस काले जानी पहुँच रही है। टाइम हुआ है 9:52, 9:40 GU4904। स्टार्टर डाउन हो गया है, और ये PLC ली है गाड़ी ने, स्टार्टिंग विसल हो चुकी है। किसी टेक्निकल रीजन की बिना पर 2 मिनट स्टॉपेज के बाद 27 अकाली जानी से निकल रही है। ब्रेक साउंड,
गुड बाय 27 आर शालीमार एक्सप्रेस। मज़ीद बड़ा मालूमात के लिए हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ आज उदास सोलंगी साहब, जो सिंध के माने हुए अदीब शायर अहले कलम हैं, ये उनका होम टाउन है, तो उनसे जानते हैं हम पाली जानी की हिस्ट्री के मुतालिक। तो उदास साहब, हमें ये बताइए कि पाली जानी इस नाम से पर रोशनी डालिए, हमें बताइए कि ये स्टेशन कैसे मंसूब हुआ इस नाम से। जहाँ तक इस स्टेशन के नाम का ताल्लुक है, यहाँ जब स्टेशन बन रहे थे तो तकरीबन वो यहाँ के जो कौमें थी उन कौमों के नामों पर स्टेशनों को रखा गया। सही। जैसे खतियान वो भी एक कौम है, ज़ात है, देथा वो भी एक कौम है, ज़ात है, या तो कोई मशहूर शख्सियत के नाम से ये स्टेशन बने गए। पली जानी का नाम और उसका हवाला ये है कि इधर पलीजा कौम बड़ी अक्सरियत में रहती थी और उसके नाम से ये स्टेशन मंसूबा। अच्छा, पलीजा स्टेशन नहीं, पली जानी, इसका मैंने हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग था साईं अब्दुर्रहमान शाह बुखारी, उसका कहना था और उनसे सुना था मैंने कि पली जानी पलीजा कौम की एक खातून थी, जो उसका हवाला ये था कि वो मौलूद शरीफ सुनती भी थी और पढ़ती भी थी, ये उसका कहना था। और मौलूद उसको बोलते हैं, ये नात का एक किस्म है। उस औरत का बड़ा इधर का किरदार था, उसका नाम माई जामा था। वो बड़ी सखी औरत थी, जो आते हुए लोगों को ठहराती थी, खाना खिलाती थी, एक नामवर खातून थी। उसके नाम के पीछे इस स्टेशन का नाम पली जानी हुआ। ये माजी की तमाम एक खूबसूरत स्टेशन है और मेरे ख्याल से यहाँ के बहुत से लोग कारोबारी लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से और आने जाने के बहुत से सहूलतें थीं, मगर जब मोहतरमा बेनजी शहीद हुई तो जैसे सारे पाकिस्तान के लोकल स्टेशन ख़त्म हो गए, लोकल रेलवे गाड़ियाँ ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को सफ़र की बहुत तकलीफें हैं। 19 फरवरी पीर का दिन और हम रेल फैनिंग कर रहे हैं पाली जानी स्टेशन, तो तीसरा एक्शन 42 डॉन कराक्रम कराची के लिए थ्रू बाय थ्रू आपको एक्शन दिखाते हैं। 9:45 हुए हैं सुबह के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है, तो बेहतरीन मौसम में 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस 9010। बेहतरीन एक्शन, जनाब ये है मेरे मेज़बान सैयद खादिम हुसैन शाह, जा रहे हैं भैंसों को लेकर अपनी ज़मीन पर चारे के लिए, तो रात में इन्हीं के हम मेहमान था, तो ये अपना काम करेंगे, हम अपने काम पर जुटे हुए हैं। एक और एक्शन आपसे शेयर करते हैं, पाली जानी स्टेशन, जबरदस्त पासिंग के
तो दोस्तों एक और हमारे पुराने दोस्त कॉमरेड मोहम्मद याकूब सियाल साहब यार कहना के मोड़ थे मिली और मारो कैबिन मैन पाली जानी थे और तकरीबन कोई 25 साल के बाद मुलाकात हुई है याकूब से। दोस्तों आज का आखिरी एक्शन 11 अप हजारा एक्सप्रेस पास कर रही है पाली जानी। एट टू वन जीरो के साथ लीड पर 8210 जबरदस्त सेक्शन और डाउन में 4830 की लीड के साथ डाउन मटेरियल ट्रेन खड़ी है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपसे जाते हैं इजाज़त। हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों के लिए गुजारिश, इस सिलसिले को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक कारगर पहुँच सके। तो इंशाल्लाह सांसों की सलामती तक फिर किसी दूसरे मकाम से आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।